एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। अब धीरे धीरे मैं वापस से अपने काम पे आना स्टार्ट हो रही हूँ। सो आई थॉट कि जो मैंने अपने मेकअप पहले सोचा था कि मैं पहले मेकओवर डालूंगी उसके बाद हॉल वीडियोस डालूंगी, बट ठीक है, मेकओवर को भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो उसी चीज का मैं हॉल आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। कुछ चीजें आ गई हैं, बहुत सारी चीजें तो आ चुकी है, मैक्सिमम जो 80% चीजें हैं वो आ गई हैं। कुछ चीजें अभी तक नहीं आई हैं, तो जो नहीं आई हैं वो मैं बाद में आप लोगों के साथ में शेयर कर लूंगी, बट जो आ गई हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो विदाउट फर्दर डू, लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है एक ये लैम्प शेड। दिस इज द लैम्प शेड। मैं आपको एक अच्छे से इमेज डाल करके इसमें दिखा दूंगी, इसको एक मैं नीचे करती हूँ। वुडन एंड बेज कलर का मैंने मंगवाया है, एंड यहाँ पर अभी तक आप देखो इसको मैंने ओपन भी नहीं करा है, बिकॉज जिस दिन ये आया था उसके नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल दौड़ गई थी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से, ये देखेंगे आप, ऐसे जो चेन होता है ना उसके थ्रू कनेक्टेड है। तो आप चाहें तो इसको यू नो ऐसे छोटा करके भी रख सकते हैं, फोल्डिंग है ये पूरा। तो ये है, इसको मैं भी ऑन करके आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी सी वायर दी हुई है, डिसेंट साइज की, एंड जो वायरिंग है उसमें स्विच बटन भी दिया हुआ है। दिस इज माई फर्स्ट एवर फ्लोर लैम्प। मैंने आज तक कभी फ्लोर लैम्प नहीं खरीदा था। मेरे जितने भी है ना घर में सब टेबल लैम्प्स ही हैं या फिर हैंगिंग लैम्प्स हैं। मेरे घर में फ्लोर लैम्प्स एक भी नहीं था। तो दिस इज द फर्स्ट फ्लोर लैम्प एंड आई थिंक आई रियली लाइक इट। इसके रिव्यूज थोड़े से बेकार थे, 3.5 इसमें रेटिंग्स दिया हुआ था, एंड मोस्ट लोगों का ये कंप्लेन था कि उनको टूटा हुआ रिसीव हुआ है, बट मुझे ये बाय फार बहुत अच्छा आया है। कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है, ऑन होने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरा फर्स्ट लैम्प, इसको मैं कहाँ रखने वाली हूँ वो आपको मेकओवर वीडियो में पता चल जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट लैम्प व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस एलिफेंट स्टूल, एंड लुक एट दिस एलिफेंट स्टूल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा था थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है दैट इज 738 रुपीज का है, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा बड़ा आएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट, 738 कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं होता है। लकड़ी का है, वुडन है, हैंडमेड है। आप देखिए इसमें जो काम हुआ है, लुक एट द वर्क, ओ माई गॉड, कितना ज्यादा ब्यूटिफुल है ये, एंड कितना बारीकी से काम किया हुआ है, एंड बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था मुझे ये, बहुत ही इंडियन ट्रेडिशनल। मैंने यही सोचा था कि जब मैं इस बार गणपति जी बैठाऊंगी तो हाथी पे उनकी सवारी, मतलब जो हाथ के बनाऊंगी मैं, इस पे बैठाने वाली हूँ, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग कर लेंगे वो चीज। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगा मुझे ये। तो इसका जो बेस है दैट इज ऑल्सो फ्लैट, तो आप यहाँ पर कुछ भी चीजें रख सकते हैं दिवाली डिकोर के लिए, अब तो फेस्टिवल आने वाले हैं। तो ये मुझे, ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई रियली लाइक्ड इट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज दिस टेबल लैम्प है ये। तो ये भी मैंने कुछ थीम में ध्यान में रखते हुए मैंने ये मंगवाया है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ये ग्लास का होगा, बट दिस इज नॉट ऑफ ग्लास। ये मैं अभी देख रही हूँ, अभी मैंने ओपन करके देखा, इनको आए हुए 15 डेज हो चुके हैं, तो बट ये ग्लास नहीं है, दिस इज प्लास्टिक। सो बट ठीक है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है दैट इज 439 रुपीज, मतलब 450 से भी कम का है। आई रियली लाइक इट। ऑन होने के बाद ये बहुत सुंदर, ये जो यहाँ से लाइट आती है ना रिफ्लेक्ट होती है, ये लगता बहुत ज्यादा सुंदर है। प्राइस देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज दिस, मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ थोड़ा। तो ये एक बेल है कि अगेन हैंडमेड है, यहाँ पर छोटे छोटे से एलिफेंट्स हैं, एंड एक छोटी सी अम्ब्रेला लगी हुई है, एंड यहाँ पर गणपति जी हैं और नीचे एक बेल है। सो प्रॉपर जो ये आई थिंक जयपुर राजस्थान तरफ में ये काफ़ी चीज़ें मिलती हैं इस तरीके की, तो ये वैसा टाइप का प्रोडक्ट है, इंडियन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। तो अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया था। मैं सोच रही हूँ इसको मैं एक ही मंगवाया चेक करने के लिए कि कैसा लगेगा, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैं एक और मंगवा लूँगी ताकि कहीं पर भी अगर मुझे हैंग करना हो तो वो पूरा पेयर में हैंग हो। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं, तो आई एम श्योर मीशो सबको पता ही होगा कि मीशो क्या है। ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं, आई एम श्योर मीशो सबको पता होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा। तो मीशो में प्रोडक्ट्स के लिंक नहीं होते हैं, इनके कोड्स होते हैं, तो हर प्रोडक्ट के सामने मैं कोड डाल दूंगी, वो कोड आप अपना जो मीशो ऐप है उसमें डाल दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, और आपको ये सेम टू सेम प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, इट्स दैट इजी। एंड मीशो के जो प्राइजेस हैं वो अदर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे डेफिनेटली आपको कम मिलेंगे, एंड क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। सो आई हाईली रिकमेंड यू, आप एक बार चेक जरूर करिएगा। एंड जितने प्रोडक्ट्स अभी तक मैंने परचेस करे हैं मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, एज इट इज आए हैं, जैसा मुझे दिख रहा था वैसे ही मेरे पास आया है। अब आते हैं लास्ट प्रोडक्ट पे। तो जो लास्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो मैंने मंगवाया है ये टेबल लैम्प्स। एक्चुअली ये मैंने हैंग ऑलरेडी कर दिया है, सो आई एम अनेबल टू शेयर दैट
व्यू कि मैंने इसको कैसे लग रहा है, ये आपको मेकओवर वीडियो में दिख जाएगा। वहां पर भी मैं कौन से प्रोडक्ट कहाँ से लिया उन सबके नीचे लिंक्स डाल दूंगी। मतलब जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है ये बिल्कुल वैसे ही मेरे पास आया है, वैसे ही कलरफुल स्टाइल में आया है एंड ऐसे इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल जो होता है ना वैसा है। बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये, तो मैंने इनको ऑलरेडी यूज कर लिया है, लगा दिया है, इसलिए मैं अभी आपको शेयर नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, यही सारे 5 प्रोडक्ट्स थे जो मैंने अभी आपको दिखा दिए एंड आई रियली लाइक इट। क्वालिटी वगैरह इनकी सब कुछ बहुत अच्छी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबके कोड्स दिए रहेंगे, चेक जरूर करिएगा। That's it for my video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में। Till then, bye.